कर रही हूँ कि मैं प्रियंका है। नौटंकी मत किया कर। हाँ हट रहे अभी अब की बाबू अन्य आ गई। आप दीदी दीदी आ तो हो जाएगा। ओवरलोड नहीं होना चाहिए। गाड़ी आगे है के लिए। सो गाइस फाइनली हम लोग आ गए होटल। प्रियंका दी लेकर आई थी, वार्निंग मिल गई थी कि पीछे पीछे लगे रहे ना। पिछली बार हम लोग रुके नहीं थे ना। बहुत भटकाई हो तुम। हम भटके हैं भाई, हम लोग भी भटकाई हो साथ में। तो अभी हम लोग आ गए हैं और ये रही प्रियंका दी की बेटी, जिनकी तबीयत नहीं ठीक है लेकिन बहुत स्ट्रांग है बेचारी। बहुत हैंडल की है मैंने देखा, समझदार भी बहुत है। शायद वो रूम भी ना मिल जाए जो रूम में हम लोग स्टे करे थे। हाँ हाँ, तो अच्छा लगता है। लाइफ का ऐसे ऐसे घूमता है जीवन, है ना। मुझे कभी लगा कि लोग इसमें आते, तीन दिन कभी लगा कि कहीं कहीं ये वही लोकेशन ना भेज दे। कल हमें वही होटल यहां रुके थे। हां अभी अब की नहीं, एक बार आए थे 7 साल का। अच्छा अंदर अंदर जिम्मेदारियां मिली हमारी आगे। कमाल कमाल आपको कि भाई उन्होंने रोजेस लगे हैं। उन्होंने बोला था कोई समझदार इंसान को दे रहे, तो हमको ये रील्स बना रहे हैं। उनको अपने समझदार दिखे हैं। राज जी ना, राज भाई साहब को दे रहे हैं, उनको हैंडओवर कर रहे हैं। यहाँ की जिम्मेदारी वो संभालेंगे, कैसे किसको कहाँ रुकना है, किस गेस्ट को। अपनी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, आज यादें ताज़ा होंगी। सच में ताज़ा करेंगे दी, फाइनली हम आ गए हैं। अच्छा लग रहा ना यार होटल, तू रह के गई तुझे पता है। अच्छा भैया सो गाइस अभी प्रिया दी लोग नहीं आई हैं, तो हमने कहा चलो बाहर मेघा लोग हैं, जब तक मेघा लोगों के साथ एक आध रील्स बना लेते हैं। हस्बैंड जी को छोड़ ही नहीं रही हैं, पता नहीं क्यों। हाँ ये ज्यादा नौटंकी मत किया कर। हाँ चैन नहीं मिल रहा, छोड़ नहीं रही हूँ। देख लो वहाँ से 9 साल से तो साथ में हूँ, आप कैसे नहीं छोड़ रही हो। ये बाहर भागा ही लेके हस्बैंड जी को, अकेले अकेले। मैंने बोला उसको कि बोल दो कि आ जाओ इधर, थोड़ी सी अपन वीडियो बना ले रहे हैं। मैं बोली बैठ जाओ तो तुम निकल ली उधर। हट रे, मैंने उसी ने मैंने इनसे बोला बैठ, हट रे हट रे। ये मेरी लैंग्वेज है, आई एम सॉरी। नहीं यार मजाक कर रही हूं, कोई बात नहीं, सब बोलते हैं है ना। तो अभी भैया सारे लोग निकल आए, प्रीति लोगों को बुला के आई, वो लोग उधर। अच्छा ये सूट कर लो इन लुक्स में, फिर तो अपन को चेंज करना ही है। तो हां वही मैं भी सोच रही थी। प्रीति भी शूट करने जा रही, प्रियंका दी अंदर ही रह गई। अच्छा तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भैया आ चुके हैं और अब सब लोग जाएंगे अपने रूम में। और प्रिया दी ने रूम सबके लिए इसलिए किया था ना, क्योंकि सबके बच्चे छोटे छोटे से हैं और शोर शराबे में नहीं सो पाएंगे, इसलिए उनको लगा कि बच्चे जाएं अच्छे से सो ले और रेस्ट कर ले, ताकि सब कंफर्टेबल रहें और अच्छे से रहें। इसलिए वाला जो होटल है बहुत खूबसूरत सा है, बहुत अच्छा है। और एक यही पल होता, यही यादें होती। मैं वीडियो ज़्यादातर एडिट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इन सब यादों को मैं समेट कर रखना चाहती हूँ। पता नहीं फिर कब जाना हो,
हो या ना हो, तो जिनसे हम मिले हैं, जिनसे हम जुले हैं, खट्टी मीठी यादें हमेशा समेट के मैं रखना पसंद करती हूँ। बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा क्लिप, बहुत सारे वीडियो में एडिट है, किसी किसी की क्लिप ही गायब है। तो मुझे, मैं पॉजिटिव लेके चलती, निगेटिव लेके नहीं चलती। मुझे लगता है ठीक है कोई बात नहीं, जो कैमरे में आ रहा सबको रखूँ। मेरा ये नहीं रहता अरे ये कैमरे में आ गया इसको हटा दो, वो कैमरे में आ गया उसको हटा दो। मुझे सबको रखना अच्छा लगता है, क्योंकि दोबारा फिर हम कहाँ मिल पाएंगे ना, तो ऐसा वाला होता है। फाइनली हम होटल में आ गए और इतने ज़्यादा थक गए ना कि बाहर बैठे बैठे हालत ख़राब हो गई, गर्मी, पसीना, सब कुछ आ गया है, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं बहुत ही ज़्यादा। और ये देखिए बाबू आती हैं, क्योंकि बाबू बिस्कुट खाना था, बाबू को तो बिस्किट खा रहा है। सो चलिए, और इतनी ज़्यादा थकावट सी हो रही है, सर्दी सर्दी सी हो गई, मौसम इतना अजीब सा हो गया, बारिश हो रही, बहुत तगड़ी वाली बारिश हो रही है। और प्रिया दी ने ना सबके लिए होटल कर दिया, बहुत अच्छा होटल, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी। और इसलिए उन्होंने होटल किया ना ताकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सब अच्छे से एडजस्ट हो ले। अभी कल हमने रात वहीं गुजारी, बहुत अच्छा लगा, सब लोगों के साथ हिस्ट्री दी, बहुत सारे यूट्यूबर आए थे, परी परी तो बहुत मज़ा लगा रही थी यार, सच में सच बहुत अच्छी है, इतना मतलब मज़ा लगाती, इतना मज़ा लगाती है क्या बताओ उसके। अच्छा तो आप सभी जानते हो ना, आकांक्षा प्रिया दी की फ्रेंड है, शेजल यार, शेजल इतनी अच्छी, इतनी अच्छी क्या बताएं, थोड़ी सी मुलाकात थी बट बहुत अच्छी है। और सृष्टि दी से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, प्रियंका दी, प्रीति, इन सबको तो आप जानते ही जानते हो, तो बाकी लोगों को क्या बताऊं, है ना। तो बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू लग रहा है, हम यहाँ से सोच रहे हैं अपना व्यू स्टार्ट कर लें। बाहर का व्यू इतना अच्छा लग रहा, बारिश हो रही, जैसे मैं खोल रही हूँ ना बाबू आने लग रहा है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ ना, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। और प्रिया दी ने सबके लिए होटल कर दिया ताकि सब लोग आराम से रहें, कोई दिक्कत ना हो, बट हमें वहाँ भी दिक्कत नहीं थी, बहुत ही आराम से हमने सोए, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किए, बहुत बहुत ज़्यादा मस्ती की, ऐसा लग रहा था ना कि हम शादी में आए हुए हैं, इतनी इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जैसे शादी में पूरा परिवार इकट्ठा होता है, इंजॉय करते हैं। बस अभी जो है ना प्रीति आ गई थी, बैग के नीचे छोड़ा है, तो मैं यहाँ पर चार्जर ढूंढ रही थी कहाँ कहाँ है, और ये तब से बाथरूम में ही है, मतलब इनको इतना होश नहीं है कि बैग में सामान रखा हुआ है, लॉक भी नहीं है, और नीचे छोड़ कर चले आए थे। तो बस अब चल रहे हैं हम, थोड़ा सा नहाएंगे, फ्रेश होंगे, फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलेंगे, ठीक है। अभी हम अपना न्यू ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, नहा कर आए हैं, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, और हमने ये वाली कुर्ती डाल ली है। वैसे लाए तो थे हम इतने बैग भर के कपड़े, आज मैं साड़ी पहनने वाली थी बट नहीं पहनी, मैंने कहा चलो ये वाली कुर्ती डाल लेती हूँ, और यहाँ से मैं मेरा न्यू ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो है ना हमें लंच के लिए जाना है, और आनिया रेडी हो रही, रेडी क्या ये कॉम वगैरह करेंगी, बस मैंने कहा थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर लूँ, और फिर अब वहीं पर आप लोगों से मिलेंगे, क्योंकि ना फ्रंट कैमरे से इतनी अच्छी सी ब्लॉगिंग नहीं हो पाती है, जब आप अकेले में रहते हो ना तो अच्छे से बोल लेते हो। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग इस टाइम कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, बताइएगा ज़रूर। और मैं बहुत सारे नए क्रिएटर से मिली, बहुत अच्छा लगा, खासतौर से सृष्टि दी, जैसा मैंने बताया ना बहुत अच्छी हैं, बहुत नॉलेज वाली चीज़ें दी, प्रियंका दी से भी फर्स्ट बार मिली हूँ, आप लोगों ने ब्लॉग नहीं देखा तो सबसे पहला वाला ब्लॉग है उनके साथ, और इसमें तो सारे यूट्यूबर एक साथ रहेंगे, तो बस यही है, प्रीति तो है ही, आप सभी को जानते हैं, प्रिया दी तो है ही हैं, उनकी क्या ही बोलूं मैं। तो बस चलो अब वहीं पर मिलते हैं आप लोगों से, अब हम जा रहे हैं, प्रियंका दीदी आई थी, चलो हाँ चलो, सुंदर तो हो यार, इसमें क्या बात है ना, भाई यहाँ पे हो रहा है सुंदर कोलैबोरेशन, हम लोगों ने बनाई एक रेस बहुत प्यारी, ये क्या बात है, चीजें देखते रहता हूँ ना, आपको नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे क्यों, ओ मैंने वो कर रहा है क्या, कैमरा खोलती है लेकिन रिकॉर्डिंग चालू नहीं रहता, और कहती है जी 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 जी, पता नहीं कैसे, हाँ हाँ ठीक है, लो भाई तहलका, आ गई रील्स हम चारों की, लो भाई तहलका, जल्दी जल्दी जाओ आकांक्षा फैमिली चैनल, रुक ना भाई, हाँ आकांक्षा फैमिली चैनल सर्च करो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे तहलका दिखेगा, बहुत अच्छी वाली रील्स बनाई है सब लोगों के साथ। कौन सा गाना था भैया, कौन सा गाना है, कौन सा जो अभी हमने किया, ये नहीं पता लेकिन मेरे को दुबला पतला घोषित कर, घोषित क्या मैं हुई, ये है वो जोगिनिया, ये जोगिनिया मुंबई से आई नहीं है जादू टोना लेके, बंगाली लोग जादू टोना तो है, देख लो बंगाली नहीं, मुझे बंगाली बंगाली नहीं वाला कर लगा लो अभी पता चले गिर जाए ना, गिरेगा उसमें आप
सो गाइस अभी हम लोग बाहर आ गए हैं और प्रिया दी भाभी सब लोग हम लोगों को लेने आ गए थे और हम लोग सबसे पहले आ गए थे बाई मिस्टेक कि प्रियंका दी को समझ भी नहीं आया था और चलो तो बोली चलना है और भैया ने कुछ और बोला एक ही हम लोग पर सूट कर दो ना दी प्रियंका दी आप समझ नहीं पाई थी और बोली हम लोग को चलना है प्रियंका है यार सूट हो रहा है प्लीज दरवाजा छोड़ के और हमारी प्लीज बिठा रहे हैं रेस में भैया कहाँ गए रील्स वाले भैया तो बस अभी यहाँ पे हो रही है रील्स ओवर यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से होता है रील्स तो अभी हम लोगों की बन गई रील्स आप जाइए अंदर जाइए अंदर जाइए अंदर जाइए एक ही रील्स बनी है आकांक्षा ने तो बहुत बहुत ज्यादा रील्स बनवा दी है भाई है ना भाभी आपने बनाई रील्स बनाई सब लोग बना चुके हैं बस हम ही नहीं बनाए देखो मैंने इतना सब कुछ कह डाला और मेरी जो मेरा कैमरा था वो ऑन नहीं था ओह शिट सही में तुम आजकल यही भूल जा रही हो नहीं वो जब से वो दूसरा वाला बताया है ना ये लोग दूसरे तरीके से तो समझ में नहीं आ रहा मुझे कुछ थोड़ा सा ना सिस्टम इसी वजह से अभी बताऊंगी तो ये दो न्यू यूट्यूबर है जिनसे मैं मॉर्निंग में मिली थी तो जस्ट अभी सुबह मॉर्निंग में मिले थे थोड़ी बहुत बात हुई बहुत अच्छी है नेचर की अच्छी है बट अभी मैं इनको नहीं जानती लेकिन आप लोग जानते होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा खुद से इससे पहले मैं पूछी थी लेकिन हाँ फिर आगे बात और होगी तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं सब निकल गए क्या हम लोग भी थोड़ी देर से मिलते हैं आप लोगों से पहले नीचे सबको लंच करना था तो सीधा अपने वीडियो छोड़ के कैसे उधर रह सकते नहीं अपनी बहन को नहीं छोड़ते ये बहुत प्रतिभाशाली बात है आपने क्या यहाँ पर लेट की देखो देखो फ्री हो मेरे पास एक बार भी मैंने नहीं लिया था कि वो रोए ना आज बेटा हमारी मौजूदगी में ले लो चलो तुम्हारा तो सिस्टम जा रहे हैं खाना खाने के लिए बहुत टाइम हो गया इतनी देर से सेजल को कह रहे चलो 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 तो ये नहीं सेजल हमको पहचान नहीं पा रही थी कह रही थी कौन है ऐसा नहीं है मैं सच में मैं सबको दिल से सॉरी बोलती हूँ क्यों पता क्योंकि मैं पता नहीं क्या अपनी लाइफ में मिस कर रही हूँ कि मैं इतने अच्छे अच्छे व्लॉग सब लोग पोस्ट कर रहे हैं मेरे पास रिकमेंड नहीं आया था लेकिन अब मैं सबको देखूंगी और मेरा बहुत अच्छा टाइम पास होगा मुंबई में सबको देख देख के अभी हम लोग की होने वाली बहुत सारी मस्ती अब तो सीजन की एंट्री हुई है
अब करेगी फिर जल्दी। अब मैं एग्जिट ले रही हूँ भाई। प्रिया भी उठ रही है। मैं अपलोड करके आऊँ क्या? मुझे बोलेंगे कि हम सुबह जल्दी आ जाएंगे, तुम लोगों के साथ नाश्ता वाश्ता करेंगे, है ना? तुम्हें आई तो जल्दी आ जाओ। इतना लेट आई है। अब हम इनके साथ दी आइए। दी ट्राई बोर्ड नहीं लेके आ रहा है।